जल नीति का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम आपके पास जल नीति पॉट और ये तांबे के बर्तन में मैंने हल्का गुनगुना पानी डाला है, इसको इस पॉट में डालेंगे। एक अच्छा सा साफ टॉवल अपने लेफ्ट हैंड में रख के सर्वप्रथम हम इसको राइट नोस्टल से करेंगे और लेफ्ट नोस्टल से हमारा पानी जो है बाहर आएगा। ये क्रिया बहुत उपयोगी होती है आपके आँखों के लिए और जिसकी हड्डी बड़ी है अंदर उसके लिए होती है और आपका जो पूरा जो ये तंत्र है इसको शुद्धि करने के लिए ये क्रिया बहुत ही उपयोगी है। आइए देखते हैं, काकासन में से बैठ के इसको अच्छे से यहाँ सेट कर लें। गर्दन क्रिया पूरी होने पर अच्छे से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हुए अपने टोस्टल को अच्छे से साफ करें। राइट लेफ्ट अप टोन करते हुए अपने नोस्टल को साफ कर दें। इसी क्रिया को हम दूसरी तरफ से करेंगे। अच्छे से पहले इसको पॉट का से फिक्स करके पानी को पूरी तरह से अपने साफ करना है। आपके आंखों में आंसू आएंगे, अच्छे से लेफ्ट राइट अप कपालभाति इस क्रिया को सर्वप्रथम आप जब आपका आपका नोस्टल बंद है, आपको सर्दी जुकाम है तो इस क्रिया को ना करें। पानी हल्का सा गुनगुना हो, ज़्यादा गर्म ना हो। गर्म पानी से क्या होता है कि आपके अंदर पानी लग जाता है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब नाक से आपके ब्लड आए या कोई और पानी अंदर ना जाए, नाक बंद है, तो इस क्रिया को बिल्कुल ना करें। सर्वप्रथम मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस क्रिया को एक शिक्षित गुरु के सानिध्य में ही करें, अन्यथा क्रिया करते हुए कोई हानि हो गई तो इसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये थी जल नीति। ये बहुत ही अच्छी क्रिया है, इसको करने से आपका नोस्टल, आपका पूरा अंतःक्रिया की जो कंठकूप से ऊपर का जो हिस्सा है, आपका मस्तिष्क है, वो पूरी तरह से स्वस्थ होता है और आप में एक नई एनर्जी आती है। नेक्स्ट टाइम इसी तरह अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम रबड़ नीति का उपयोग करेंगे। रबड़ नीति हम एक नोस्टल से रबड़ को जो नीति जो होती है उसको अंदर इंसर्ट करेंगे और अपने कंठकूप से उसको बाहर निकालते हुए उसको हम धीरे धीरे अपने नोस्टल को क्लीन करेंगे। नमस्कार।